जय नमोस्तु। गुरु संसार श्री चौबीस टाणा ग्रंथ अच्छी ओम ओवन ओवन विन्द विन्द भवन विज्ञानम विनियम स्वयं उत्पन्नम नन्तानन्त स्वयं च सुरेयं शुद्धं च शुद्धात्मेनम् ओवेन मे ओवन स्वभावे मनस्य ममेनम् मैं मूर्ति ज्ञानं ध्रुवं लोकालोक स्वयं सुरं च सुरेयं सुन्नं बोलिए श्री चौबीस टाणा जी ग्रंथाधिराज की जय। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान की अमृत में ज्ञान रस था। यह श्री चौबीस टाणा ग्रंथराज जी जहाँ श्रीमज्जन तारण स्वामी हम समस्त भव जीवों को संसार में परिभ्रमण कराने वाले जो चौबीस स्थान है उन चौबीस स्थानों में परिभ्रमण से मुक्त होने का मार्ग बता रहे हैं भैया। क्योंकि अपन बार बार ये बात कह रहे हैं भैया, क्या कह रहे हैं कि शरीर मेरे नहीं है, संयोग मेरे नहीं है, संयोगी भाव मेरे नहीं है, बार बार इस बात को कह रहा है। लेकिन ये बात अपने अंतर चित्त में या फिर ऐसा कहें ये बात अपने अंतर अनुभव में नहीं आ रही। क्यों क्यों नहीं आ रही भैया? क्योंकि यदि अंतर अनुभव में ये बात आ जाए, यदि आत्मा की रुचि लग जाए तो पर की रुचि अपने आप समाप्त होती। आत्मा में वीर नाम की शक्ति है कि नहीं? आत्मा में वीर नाम की शक्ति है कि नहीं? और यदि आत्मा में वीर नाम की शक्ति है तो उस वीर नाम की शक्ति का प्रति पल प्रति समय परिणाम हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है ना। आत्मा में अनंत वीर नाम की शक्ति है और उस अनंत वीर नाम की शक्ति का प्रति क्षण प्रति समय एक भी समय ऐसा नहीं है जहां आत्मा की अनंत वीर नाम की जो शक्ति है, आत्मा का जो वीर है, उसका परिणाम ना हो रहा। परिणाम तो प्रतिक्षण हो रहा है, लेकिन उस अनंत शक्ति का, उस अनंत वीर नाम की जो शक्ति है अपने अंतर में, उसका परिणाम कहाँ हो रहा? जहां अपनी रुचि है, आत्मा को, जीव को, जिस वस्तु की रुचि है, जैसे अपनी अनंत वीर की शक्ति इंद्रिय विषयों की नाली में बह रही, पाप वैसे कसाय की नाली में बह रही, नाना प्रकार की शल्यों में बह रही है, नाना प्रकार की चिंता में बह रही है, तो आत्मा में वीर नाम की शक्ति है कि नहीं? लेकिन वो शक्ति जा कहां रही है? जब इतने अनंत बल का धारी मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं जो एक क्षण में लोकालोक को प्रकाशित करने की सामर्थ्य प्रकट कर सकता है जो जीव,
भगवान आत्मा उसकी अनंत शक्ति कहां जा रही है? देखो तो आप, अचेतन में, जड़ में कहां जा रही है? पर पदार्थों में। हमें अनंत शक्ति, अनंत वीर की शक्ति कहां जा रही है? के ना बाहर के विकल्पों में। और जीवात्मा सावधान सावधान, यदि यही रुचि अंतरात्मा की आ जाए, यदि यही बोध यदि जीव को हो जाए कि मैं ज्ञायक तक भगवान आत्मा हूं, अर्थात यही रुचि यदि स्वतत्व की ओर पलट जाए, निज भगवान आत्मा की ओर पलट जाए, तो उसी क्षण उसी पल भगवान जी क्या है, अनंत वीर की शक्ति तो है ही, शक्ति तो कहीं से ला रही नहीं, अनंत वीर की शक्ति तो आत्मा में है ही, शक्ति तो प्रकट करना नहीं है। यदि अंतर आत्मा की रुचि लग जाए, ज्ञायक स्वभाव की रुचि लग जाए, तो वो अपने रूप परिणमित होने लगेगी, अपने रूप परिणमित होने लगेगी, मतलब आत्मा की रुचि लग जाने से, अपने तत्व की रुचि लग जाने से, वो ही जो अनंत वीर की शक्ति बाहर में रही ना इंद्रिय विषयों में, पाप से कसाय में, नाना प्रकार के विकल्पों में, वो ही अनंत वीर की शक्ति जिसको हम पुरुषार्थ कहते हैं, वो ही अनंत वीर की शक्ति स्वचेतन स्वभाव के अनुभूति रूप प्रकट हो जाएगी। वीर तो वो ही है, चेतना तो वो ही है, आत्मा का अनंत बल तो वो ही है, लेकिन भगवान जी आत्मबोध ना होने से, सिर्फ आत्मबोध ना होने से उसका परिणमन बाहर की ओर चल रहा है, सिर्फ आत्मबोध ना होने से। और ये जीव को अंतर तत्व का, स्व आत्मा का, यदि जीव को स्व सत्ता का बोध हो जाए, तो ऑटोमेटिकली इस जीव का जो अज्ञान भाव रूप परिणमन चल रहा है ना, वो अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। शक्ति है, देखो शक्ति अर्थात आत्मा के गुणों को बनाना नहीं है, आत्मा के गुणों को बनाना नहीं है, ना आत्मा को बनाना है, ना आत्म गुणों को बनाना है। भैया छह के छह द्रव अनादि अनंत है, अकृत्रिम है, किसी के द्वारा उत्पन्न किए गए नहीं है, और ना किसी के द्वारा नष्ट किए जाते, ना आत्मा किसी के द्वारा कृत्रिम है, ना आत्मा के गुण किसी के द्वारा कृत्रिम है, छह के छह द्रव किसी के द्वारा उत्पन्न किए नहीं गए, अनादि से अपनी स्वसत्ता में, स्वस्वरूप में छह के छह द्रव विद्यमान है। भगवान जी एक बार बताओ, देखो तो जब छह के छह द्रव अनादि अनंत है और सभी द्रव्यों में अपनी अपनी शक्ति है, अपना अपना स्वभाव है, तो भगवान जी सावधान सावधान, देखो मोक्ष मार्ग कितना सा सावधान, क्या सावधानी कि ये छह के छह द्रव स्वतंत्र है, स्वाधीन है, अपने अपने परिपूर्ण है, पर सावधान, क्या सावधान कि मुझे अपने होने का बोध आ जाए। देखो जागृति का नाम मोक्ष मार्ग, आत्मा में चेतन का भगवान आत्मा हूं, अपने आत्म स्वभाव की जागृति का नाम मोक्ष मार्ग है, क्रिया का नाम मोक्ष मार्ग नहीं। तो जागृति क्या है, जागृति क्या है कि अनादि काल से पर पदार्थ का रसिया, पर पदार्थ का रुचिया ये जीव आज अपने शुद्ध आत्म स्वभाव की रुचि को जगा ले कि मैं तो ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं, ये अविनाशी चेतना, ये मेरा दिव्य स्वरूप है, और ये बाहर का परिणमन तो कैसा है, अपने आप होने वाला क्षणभंगुर विनाशी और काल्पनिक है, झूठा जगत है। बस इतनी सी रुचि अपने अंतर में आ जाए तो अपना उपयोग, अपनी चेतना अपने स्वभाव रूप परिणमित होने लगेगी, शुद्ध चेतना रूप परिणमित होने लगेगी, शुद्ध ज्ञान भाव रूप परिणमित होने लगेगी। सिर्फ इतना सा भाव जाग जाए कि ये बाहर का संसार, ये बाहर का जगत क्षणभंगुर है, असत्य है, और मेरा ज्ञायक स्वभाव अविनाशी है, इतनी सी रुचि जग जाए। जीवात्मा देखो देखो स्वाद तत्व की रुचि ना होने के कारण से पूरा उपयोग इंद्रिय विषयों की नाली में बह रहा, पूरा उपयोग पर्याय भाव रूप परिणमन में बह रहा है, दुकान में, मकान में, पुत्र में, परिवार में, यहाँ वहां के विकल्पों में, यहाँ वहां की चिंता में, हमारा पूरा उपयोग अनंत शक्ति का धारी चैतन्य महाप्रभु भगवान आत्मा इसका इसका परिणमन तो देखो पर भाव रूप चल रहा। पर भाव रूप चलने का कारण क्या है, अनंत शक्ति का धारी ये चैतन्य में ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा इसका परिणमन पर भाव रूप चल रहा है। कारण क्या है, कर्म दे
वो भी कारण है भाई, लेकिन कर्म बोले निमित्त कारण, उपादान कारण नहीं। और अपन हमेशा से ही कहते आए हैं कि निमित्त कर्ता नहीं है, निमित्त तो होने वाले परिणाम में साक्षी है, कर्म करता नहीं है। यदि कर्म ही करता होते तो आज तक कोई भी जीव सिद्ध दशा को प्राप्त कर सकता था? उदाहरण देते हैं, उदाहरण भगवान महावीर के पास क्या कर्म के नहीं थे? क्या तारण स्वामी जैसे ज्ञानियों के पास कर्म के नहीं थे? क्या उन्हें जहर नहीं मिलाया? क्या उन्हें नदी में नहीं डुबाया? क्या उनके माता पिता नहीं थे? क्या वो संयोग में नहीं थे? क्या उनके पास शरीर नहीं था? क्या उनके पास मन वचन काय नहीं थे? ये बताओ, भगवान महावीर के पास कहो या जितने भी तीर्थंकर हुए हैं या तारण स्वामी के पास कहो, क्या उनके पास ये मन वचन काय का संयोग नहीं थे कि नहीं? ये कर्म संयोग थे कि नहीं? जितने भी महापुरुष ज्ञानी हुए हैं उन सबके पास भी ये सारे के सारे कर्म संयोग थे। तो भैया कर्म तो निमित्त है, कर्म काय में निमित्त है, जीव को संसार रूप परिभ्रमण कराने में निमित्त है, लेकिन वास्तव में सिर्फ निमित्त है ओनली। ये उदासीन निमित्त है ये समझो, वैसे प्रेरक कब है? जब तक जीव का अज्ञानता है। कर्म उदासीन निमित्त है, वैसे जीव को प्रेरणा देते हैं क्योंकि जीव आसक्त है इनमें, लेकिन ये कर्म तो जीव के लिए उदासीन निमित्त है। यदि कब उदासीन निमित्त है भैया? जब इसे अपने शुद्ध स्वभाव की रुचि हो। धर्म अधर्म द्रव दोनों जीव के लिए उदासीन निमित्त है? जबरदस्ती प्रेरणा थोड़ी करवा, जबरदस्ती प्रेरित थोड़ी करते कि भाई तुम परिणमन करो, तुम संसार में गमना गमन करो, तुम उठो, तुम बैठो। करना क्या है अपने को? अरे भगवान जी देखो तो, करने धरने जैसा काम मोक्ष मार्ग में है ही नहीं। कुछ करना, कुछ धरना, कुछ लाना, कुछ ले जाना, कुछ बनना, कुछ बनाना, ऐसा काम मोक्ष मार्ग में है ही नहीं। ये मोक्ष मार्ग, ये जिनेन्द्र देव का जो कुल है, ये जिन मार्ग है, ये अकर्तावाद का सिद्धांत लागू करता है। अकर्तावाद का सिद्धांत लागू करता है मतलब जहां अपने कर्ता रूप बुद्धि चलती है, पर में पर पदार्थों में, वहां इस जीव का परिणाम होता ही नहीं है। तो ये बात स्वीकार करना बहुत कठिन है। अच्छा एक बात बताओ, यदि हम आपसे ये कह दे कि मोक्ष मार्ग के लिए कुछ करना ही नहीं है तो आपको कितना विकल्प आएगा? तो ये आप कह रहे हो कुछ करना ही नहीं है, क्या सामायिक नहीं करें? क्या पूजा पाठ नहीं करें? क्या प्रवचन सुनने नहीं आए? क्या रात्रि भोजन का त्याग नहीं करें? क्या हम यहाँ नहीं जाएं? क्या हम वहां नहीं जाएं? क्या हम क्या नहीं करें? आप तो कह रहे हैं भैया मोक्ष मार्ग मतलब अकर्तावाद, मतलब क्या करें? हाथ पाथ रख के बैठ जाए, रोटी नहीं बनाए, दुकान नहीं चलाए, पुत्र परिवार का पालन पोषण ना करें। जब आप कह रहे हो ये जिन शासन तो अकर्तावाद का सिद्धांत लागू करता है तो हम क्या नहीं करें? बताओ क्या नहीं करें? हम क्या नहीं करें? तुम्हें देखो जैन धर्म को समझना थोड़ा सूक्ष्म है, तो हम क्या नहीं करें? क्या मंदिर नहीं आए? क्या पूजा पाठ नहीं करें? क्या स्वाध्याय करना बंद कर दे? क्या आत्मचिंतन करना बंद कर दे? जब आप कह रहे हो कि वीतराग जैन शासन अकर्तावाद है तो हम क्या क्या नहीं करें? बढ़िया, अच्छा अच्छा जवाब, मतलब क्या क्या नहीं करें? अरे भगवान जी, जिन शासन अकर्तावाद को सिद्ध करता है, लेकिन कौन से अकर्तावाद को सिद्ध करता है ये भी तो देखो। अरे जीव पर का आकर्ता है, तू जहां कर्ता पाने की बुद्धि लगा के बैठा है वहां तू कुछ नहीं कर सकता, तू कर्मों में हेर फेर नहीं कर सकता, तू अपने पुण्य पाप में हेर फेर नहीं कर सकता,
तू बाहर में चलने वाले प्रणवन में हेर फेर नहीं कर सकता, तुझे कर्ता आकर्ता कहां बना रहे, तुझे आकर्ता कहां कह रहे, तुझे पर के लिए आकर्ता कह रहे हैं कि एक द्रव दूसरे द्रव का जरा सा भी प्रणमन नहीं कर सकता, तुझे आकर्ता कह के तुझे उस सूक्ष्म सत्य को ही स्वीकार करा रहे हैं, उस सूक्ष्म तत्व को ही तो स्वीकार करा रहे हैं। कौन से सूक्ष्म तत्व को भैया? कि इस पुद्गल द्रव से या इस पुद्गल द्रव के संयोग से होके होने वाले प्रणमन से तेरी ध्रुव चेतना अलग है, ऐसी रुचि तो जगाने का नाम आकर्तावाद है। क्या आकर्तावाद है? कि उठना बैठना खाना पीना सोना जागना जितना भी प्रणवन हो रहा है वो सब अचेतन जड़ पुद्गल की पर्याय है, और हे जीवात्मा तू इससे भिन्न शुद्ध बुद्ध अविनाशी ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा ही है। इस आकर्तावाद को स्वीकार करना ही मोक्ष मार्ग में सबसे बड़ा पुरुषार्थ। लोग कहते हैं आकर्तावाद को स्वीकार कर लेंगे तो कायर हो जाएंगे। अरे नहीं भगवान जी, आकर्तावाद को स्वीकार कर लोगे तो कायर नहीं होगे, आकर्तावाद को स्वीकार कर लोगे तो परम पुरुषार्थी हो जाओ। क्यों क्यों क्यों? आकर्ता आकर्ता तत्व को स्वीकार कर लोगे, आभोक्ता तत्व को स्वीकार कर लोगे तो परम पुरुषार्थी हो जाओ। क्यों 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 परम पुरुषार्थी हो जाए? बताओ बताओ, जैसे बेसिक पब्लिक कम है, बताओ जल्दी क्यों परम पुरुषार्थी हो जाएंगे? बोलो। अरे इतना सरल जवाब भगवान। हाँ, परम पुरुषार्थी क्यों हो जाएंगे? अरे कर्तव्य की बुद्धि टूटेगी, बिल्कुल सही ये बात। लेकिन सुनो तो, जैसे ही आकर्तत्व को स्वीकार करेंगे, अरे भगवान जी हमें द्रव का स्वभाव झलकेगा तभी तो आकर्तावाद स्वभाव स्वीकार होगा, अर्थात जब हमें अपनी स्वचेतन सत्ता स्वीकार होगी तभी तो हम आकर्ता मानेंगे। देखो तो, जब तक हम स्वयं को पुद्गल मानते रहेंगे, जड़ शरीर मानते रहेंगे या जड़ संयोग मानते रहेंगे, तब तक हमारी आत्मा का हित होने वाला नहीं। आकर्ता वही स्वीकार कर सकता है जो इस पुद्गल की प्रत्येक पर्याय से, चाहे स्थूल पर्याय हो चाहे सूक्ष्म पर्याय हो, चाहे भाव रूप पर्याय हो चाहे इसकी दिखने वाले द्रव रूप पर्याय हो या नहीं दिखने वाला कारमान शरीर रूप पर्याय हो, इस द्रव की कोई सी भी पुद्गल पर्याय हो जिसमें जीव का अपनापन अर्थात एकत्व ममत्व कर्तृत्व का भाव नहीं है, वो ही जीव चेतनता के बोध को प्राप्त हो पाया, अपनी आत्मसत्ता स्वसत्ता के बोध को प्राप्त करने वाला कौन? जो जड़ शरीर से भिन्न हो जाए। तो शरीर अकेला जड़ नहीं है, ये शब्द भी जड़ है, शब्द अकेले जड़ नहीं है, आपके विचार भी जड़ है, विचार अकेले जड़ नहीं है, अरे जो अपनी सत्ता में कर्म पड़े हुए हैं वो भी जड़ है, अरे कर्म अकेले जड़ नहीं है, अनंत काल से जिस संयोग के कारण से तुम संसार में रह रहे हो वो सारा संयोग ही जड़ है। जब 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 सब कुछ जड़ है तो जीवात्मा यहाँ बाहर मैं ना पुण्य करने वाला हूँ और ना पाप करने वाला हूँ, जब ऐसी ध्रुवता अंतर में स्वीकार होगी तब तब आकर्तावाद से स्वीकार होगा, तब लगेगा कि ये जीव तो आकर्ता स्वभावी ही है, ये पर का करने धरने वाला। बता भैया हो रहा है कि नहीं ये सब स्वीकार? देखो ये परम पुरुषार्थ है। यदि हम आपसे कहें रोज मंदिर आने का नियम ले लो तो ये शुभ भाव है, इसे पुरुषार्थ नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि मंदिर आने के लिए पांचों समवाय की आवश्यकता चाहिए, अर्थात मंदिर आने के लिए आपको बाहर में पुण्य का उदय भी चाहिए, मान लो असाता वेन्नी कर्म का उदय आ जाए, और यदि कोई ऐसा निमित्त मिल जाए जिस वजह से आप रोज मंदिर आने का नियम ले लो लेकिन कुछ ऐसी कारण फंस जाए, ऐसा भी हो सकता है कि प्रबल भावना होने के बाद भी आप चैत्याले ना हो सकता है कि नहीं हो सकता? दिन भर से भावना भाते भैया चैत्याले जाना है चैत्याले जाना है चैत्याले जाना है, लेकिन मान लो भैया आपका बीपी डाउन हो जाए तो फिर आप आओगे? क्यों नहीं आ पाओगे? तो नहीं आ पाओगे जल्दी बताओ फटाफट। हाँ क्यों नहीं आ पाओगे? बोलो तो बोलो। हाँ बोलो ना, जो बोलोगे वो सही है, बोलो।
या क्योंकि बाहर का परिणाम पुण्य पाप के साता साता कर्म के उदय से चलता है। साता का उदय होता है तो अनुकूलता मिलती है, असाता वेदी का उदय होता है तो प्रतिकूलता मिलती है। चाहते हुए भी मंदिर आने के परिणाम का भी मैं स्वामी नहीं भावना भा सकता हूँ भैया। अशुभ भाव घर गृहस्थी के अशुभ भाव से हटके शुभ परिणाम करके मैं मंदिर आने की भावना भा सकता हूँ, मंदिर आने का शुभ भाव रख सकता हूँ, लेकिन मैं मंदिर आने रूप प्रणमन कर सकता नहीं। इतना जब सत्य स्वीकार होता है तब अकर्तत्व अकर्ता रूप अपना गायक तत्व भगवान आत्मा स्वीकार होता हो पाता कि नहीं। अच्छा बता, मैं पूरे परिवार का पालन करता करता कि नहीं करता? अच्छा मैं नहीं करता तो बच्चों की देखरेख कौन करता? मैं नहीं करता तो ये भोजन ये चौका की व्यवस्था कौन संभालता? मैं नहीं करता तो ये समाज के सारे काम कौन करता? मैं नहीं करता कौन करता? यदि मैं नहीं करता तो कौन करता? कौन करता है? इसी का नाम अकर्तावाद है भैया, कि जहां आपको स्वीकार हो जाए आपकी प्रतीति में अंतर हृदय की प्रतीति में बच जाए कि मैं त्रिकाली ध्रुव तक भगवान आत्मा हूं और होने वाला परिणाम पुद्गल का है। अब वो होने वाला पुद्गल का परिणाम कराने की योग्यता भी मेरे जीव में है, ये बात किस अपेक्षा से है? निमित्त अपेक्षा से है कि मेरा जीव जैसे भाव करता है अर्थात मुझे संयोगी भाव जैसे उत्पन्न होते हैं वैसा परिणाम में करता, ये संयोग की बात है। इसलिए भैया संयोग को संयोग माने, जो संयोगी भाव है उस संयोगी भाव को मात्र संयोगी भाव मानो, लेकिन मेरा इन संयोगों से कोई संबंध नहीं है तो मैं आकिंचित कर गायक तत्व भगवान आत्मा हूं। मैं आकिंचित कर कब हूं? वो गायक पना मेरे अंतर में कब है? जब ये सारे संयोग का होने वाला परिणाम स्वतंत्र है और मेरी ध्रुव चेतना इससे अत्यंत भिन्न है, मेरी गायक सत्ता इस बाहरी होने वाले परिणाम से अत्यंत भिन्न है, तभी तो मैं ध्रुव तत्व परमात्मा हूं। तो यदि इन सब में एक में खो जाऊं तो मेरी सत्ता कहां रही? यदि अज्ञान भाव में एकत्र आ जाए तो मेरी सत्ता कहां रही? यदि मन वचन काय के परिणाम में यदि मैं एक में खो जाऊं तो मेरी चैतन्यता कहां रही? यदि पुद्गल रूप परिणाम में ही कर जाऊं क्या बोलते हैं स्पर्श रूप ठंडी रूप गर्मी रूप भूख रूप प्यास रूप क्या बोलते हैं राग रूप देश रूप क्रोध रूप काम रूप, यदि मैं जीव ही यदि इस पुद्गल रूप परिणाम कर जाऊं तो फिर मेरी स्वसत्ता कहां रही? मेरा वजूद कहां रहा? मेरा अस्तित्व कहां रहा? मेरी चेतना कहां रही? जी मैं आगुरु लघु नाम का गुण है कि नहीं? आगुरु लघुत्व के कारण से जीव छोटा बड़ा नहीं है, एक गुण दूसरे गुण के रूप नहीं हो रहा, द्रव से अपने गुण बिखर के बाहर निकल रहा है और आगुरु लघु सामान्य के गुण आगुरु लघु सामान्य के कारण सिद्धों में भी सद्गुणा हानि वृद्धि हो रही है। तो देखो तो भगवान जी ये आगुरु लघु गुण अपने में है कि नहीं, हो रही कि नहीं हो रही, सारा परिणाम चल रहा है कि नहीं चल रहा? तो भगवान जी जब मेरा अगुरु लघु मेरे अंतर में है मैं अन्य द्रव रूप परिणाम कर नहीं सकता, मैं अन्य भाव रूप परिणाम कर नहीं सकता, अन्य भाव मेरे रूप अन्य द्रव मेरे रूप परिणाम नहीं कर सकता, तो भगवान आत्मा क्यों कर्ता भोक्ता कामी व्यसनी बन के क्यों इस पुद्गल को अपना मान के अपना पूरा जीवन दुर्गति की ओर ले जा रहे हो जीवात्मा? सिर्फ बोध ही तो लाना है क्या? ये होने वाला परिणाम ये जड़ रूप परिणाम अलग है और मेरा चेतन रूप भाव अलग है, इतना बोध तो जगाना। अरे अपने अस्तित्व को ही तो स्वीकार करना है, अपनी स्वसत्ता की भावना ही तो प्रकट करना है, स्वस्वभाव का अस्तित्व तो जानना है। अच्छा बताओ ये आत्मा की चर्चा आप सुन रहे हो, अपने स्वस्वभाव के बोध की बात सुन रहे हो, कितनी कठिन लग रही है पहले तो ये बात, कितने मन में द्वंद आ रहा है क्या भैया इतना सा सुनने से या फिर इतना सा स्वीकार करने से क्या आत्मा अकेले की रुचि लगाने से सब काम हो जाएगा? हम मंदिर आना छोड़ दें, हम दुकान चलाना छोड़ दें,
काहे भैया जी पंडित जी, जब हमारे हमारे से ही हमारा काम हो जाएगा तो तुम्हारे प्रवचन काहे को सुनने बैठे, बताओ जब कितने द्वंद अंदर में आ रहे, कितने विकल्प आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं जल्दी बताओ, आ भी रहे हैं कि हमें आ रहे हैं, आपको नहीं आ रहे, हमें तो हमें आ रहे हैं, आप आ रहे हैं, आ रहा है ना। तो देखो भैया, मन का चोर अभी भी अपने अंतर मन का चोर अभी भी पुद्गल को पकड़ के साथ में रख के बैठा भैया, कम प्रवचन सुनना छोड़ दे, मतलब अभी भी सुनने वाला, कानों से सुनने वाला अपने को मान रहा है, अभी भी ध्रुव आत्मा मानने तैयार नहीं है अपन प्रवचन सभा में बैठ के, कहा भाई मंदिर आना छोड़ दे, मंदिर ही नहीं आएगा धर्म कहां से होगा, अभी भी वो मंदिर आने के परिणमन में सत्य बना है, अभी भी अपने ध्रुव आत्मा में सत्य बना नहीं है, स्वाध्याय करना छोड़ दे, ज्ञान कैसे होगा, अभी भी स्वाध्याय की क्रिया में अपनापन है, अभी भी स्व का अध्ययन करना चालू नहीं किया, अर्थात अभी भी स्व आत्मा का लाभ नहीं हुआ, अभी भी स्व तत्व को नहीं जाना कि मेरा स्व तत्व तो इस बाहरी जगत से अलग है, अभी भी अपन अपने में आने तैयार नहीं है, अभी भी अपने को शुभ क्रिया पकड़ा रही, शुभ भाव पकड़ा रही, घर में अशुभ, दुकान में अशुभ, पुत्र परिवार समाज के बीच में अशुभ, और मंदिर में स्वाध्याय में शुभ, कहीं शुभ को पकड़ना है और कहीं अशुभ को पकड़ना है, हे भगवान आत्मा अपने ध्रुव त्रिकाली की पकड़ कहां गई, जो मूल है, आधार स्तंभ है, जो मुक्ति का सोपान कराने वाला है, वो वीतराग तत्व कहां गया, वो आधार स्तंभ कहां गया, कहां गया, कहां छोड़ा है आत्मा को, इसका पता ही नहीं, जिसके बल से, जिसके बलबूते से निर्वाण की प्राप्ति होना है, जिसके आश्रय से, जिसका आश्रय लेके वीतरागी भाव लेंगे संत भी अपने अंतकरण में डूब जाते हैं और केवल ज्ञान की विशेष शब्द को प्राप्त कर लेते हैं, भगवान जी ऐसे नायक, मूल नायक, ऐसे शुद्ध तत्व को छोड़ के तुम किसकी शरण में जा रहे हो, ऐसे शुद्ध आत्म तत्व की शरण छोड़ के तुम कौन सा धर्म कर रहे हो, ये तो बताओ, ऐसे निज आत्म स्वभाव को छोड़ के तुम कौन सा धर्म कर रहे हो, कौन सा धर्म हो रहा, वो भी रहा कि नहीं हो रहा, क्योंकि आचार्य ने कहा भी, अरे कानन स्वामी ने कहा, चेतना लक्षणो धम्मो चेत यन्ति सदा, जो बुद्धिमान अपने स्वभाव में चेत गए हैं, जो बुद्धिमान अपने अंतर स्वभाव में अंतःकरण में चेत गए हैं, चेत यन्ति, जिनकी चेतन्यता जाग गई है उनके अंतर में धर्म की प्रकटता हो गई है, और जो जीव अभी भी अपने को जीव ना मान के पुद्गल के परिणमन को ही अपना मान रहा है, उनकी चेतना मृतम भवे, मृत है, अपन अपनी चेतना मरी हुई है या जिंदा, कर्म फल चेतना रूप है या ज्ञायक तत्व रूप, कर्म फल चेतना रूप है मरी हुई चेतना, मृत, और यदि ज्ञायक स्वभाव रूप है तो जागृत चेतना है, क्या है भैया बता दो, मृत चेतना या जागृत चेतना कैसी है, यानी मृत चेतना है तो तीन काल में भी इस जीव को सुख की प्राप्ति होने वाली, मुर्दा से सुख कैसे लाओगे, अच्छा बताओ मुर्दा से शादी करोगे है, आप अपने लड़के को अपनी लड़की को मुर्दा के साथ ब्याहोगे, क्यों नहीं ब्याहोगे, क्यों नहीं ब्याहोगे, शरीर तो है भगवान जी, ब्याह ना मुर्दा के साथ क्यों नहीं ब्याह, मतलब ये बात है कि मुर्दा के साथ ना अपने लड़के की शादी करेंगे ना लड़की की शादी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि मां उसका ध्यान कौन रखेगा, उसे सुख कहां से मिलेगा, ना सारा सुख तो जीव में ही है, चेतना में ही है, इसलिए मुर्दा के साथ कोई विवाह नहीं करता, नहीं करता ना भगवान जी, जब एक मुर्दा के साथ शादी नहीं हो सकती, संसार के सुख नहीं भोगे जा सकते, भगवान जी इस मुर्दा रूप शुभ भाव में या इस मुर्दा रूप अशुभ भाव में तुम परम सुख अर्थात अनंत चतुष्टय रे, अनंत चतुष्टय में अपने केवल ज्ञान में स्वभाव का चरम सुख कैसे भोग सकते हो, तो बताओ, जब तुम एक मुर्दा से शादी करके जीवन का सुख नहीं भोग सकते, अपने संसार का भौतिक सुख नहीं भोग सकते, तो भगवान जी इस अचेतन की क्रिया से,
पढ़ने से, पाठ पढ़ने से, मंदिर आने से, या फिर दुकान चलाने से, घर गृहस्थी काम करने से, जब तुम एक बाहर के मुर्दा से भौतिक सुख भी नहीं भोग सकते, तो भगवान आत्मा, अरे सुखो तो सुनो तो, इन अशुभ और शुभ भाव रूप अचेतन से, जड़ से तुम आत्मा का परम सुख चिदानंद में आत्मा का शाश्वत सुख कैसे भोग सकते हो, बताओ तो पहले, भोग सकते हो कि नहीं? यही तो कह रहा है भगवान जी, आकर्ता बात को स्वीकार करते ही कि मैं चेतन द्रव खुदगल भाव रूप प्रणमन ही नहीं कर सकता, जब ये बात अंतःकरण में स्वीकार होती है तब तब शाश्वत सुख की प्राप्ति ही होती है। पर अनंत काल से मेरी रुचि इंद्रिय विषयों की होने कारण से मेरा उपयोग या तो शुभ भाव की नाली में फेरा है या अशुभ भाव की नाली में फेरा है, दो नाली है, कौन कौन सी? एक शुभ भाव की नाली है जो स्वर्ग आदि पुण्य आदि भोग को प्राप्त कराती है, और एक अशुभ भाव, एक अशुभ भाव की नाली है। लेकिन दोनों नालियां इंद्रिय विषयों की है, दोनों मन वचन काय के प्रणमन में बह रही है। लेकिन जीवात्मा, अरे सुनो तो, इसी क्षण इसी काल में इसी समय मेरे अंतर में मेरे ज्ञान की अमृत धारा भी मेरी चेतना में बह रही है। देखो, जीव को शुभ अशुभ नालियों में, शुभ अशुभ विषयों में उपयोग रमाने की आदत है ना, शुभ अशुभ विषयों में रत होने की आदत है ना, तो उपयोग शुभ अशुभ की नाली में रहा है, अपने ज्ञान आनंद स्वभाव जो अपने अंतर में है उसमें उपयोग नहीं लग रहा। आप खुद निर्णय करके बताओ कि हमारा उपयोग शुभ भाव में लगने के लिए तैयार है, हमारा उपयोग अशुभ भाव में लगने के लिए तैयार है। लेकिन इस समय इस काल में मेरे अंतर में मेरा ध्रुव वीतराग भगवान, ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा भी तो है, मेरा उपयोग उस ज्ञान आनंद में रहने तैयार क्यों नहीं है, ज्ञाता भाव में रहने तैयार क्यों नहीं है? जिस समय राग देश है उस समय वीतराग स्वभाव भी तो है कि नहीं? जिस समय काम क्रोध है उस समय शांत शून्य वीतराग सत्ता भी तो है। जिस समय कर्ता भुक्त की पड़ती है उस समय ज्ञाता दृष्टा भाव स्वभाव भी तो है। जिस समय शरीर आदि का प्रणमन है, मन वचन काय का प्रणमन है, उस समय ध्रुव चेतना भी तो है। इन बाहर की वस्तुओं को स्वीकार करके अंतर की वस्तु का लोपन क्यों? कारण क्या? जिस समय मैं क्रोध कर रहा हूं, राग कर रहा हूं, द्वेष कर रहा हूं, उस समय आत्मा है कि नहीं है? तो बाहर की वस्तुओं को मुख करके अपनी निज अंतर आत्मा का लोपन क्यों? अपनी सत्ता का बोलना, अपने स्वभाव की रुचि नहीं है तो हमारा पूरा उपयोग इंद्रियों की विषय नाली में बहरा है। हमारे आत्म तत्व का बोध नहीं है तो भैया पूरा उपयोग बाहर के शुभ अशुभ भाव में बहरा है। उसी समय स्वसत्ता स्वचतुष्टय विद्यमान है, लेकिन उपयोग मन वचन काय के परिणमन में लगा हुआ। तो फिर कहते हैं भैया आत्मा की बात समझ में नहीं आती, निर्विकल सत्य का अनुभव नहीं होता, ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा अनुभूति में नहीं आता, कब से तो सुन रहे हैं आत्मा आत्मा आत्मा, उसमें तो हम डूब ही नहीं पाते। भैया पहले बताओ तो, तुम आत्मा का मूल तत्व का निश्चय स्वभाव का लोपन कर रहे हो और व्यवहार भाव में अर्थात क्रियाओं में लगे हुए हो, ये बताओ तो अनुभूति कहां से लेके आओगे? अनुभव करने के लिए तो स्व स्वभाव की रुचि चाहिए, तब अनुभूति आएगी। लेकिन अपन क्या करते हैं, बाहर के परिणाम में स्वतत्व को लोपित कर देते हैं। स्वभाव में लगे तो स्वभाव जैसे हो जाते हैं, मंदिर आदि पूजा पाठ में लग गए तो मंदिर आदि पूजा पाठ को धर्म मान लेते हैं, या दुकानदारी का घर का पुत्र परिवार में लग गए तो घर पुत्र परिवार को अपना कर्तव्य मान लेते हैं, ले लेके पर भाव में अपना पूरा उपयोग खत्म। पता भैया जो उपयोग पर में नष्ट हो गया उसे स्वसत्ता का बोध कहां से करा? देख तो लो, मूल में भूल, मूल में भूल, मूल में भूल, क्या जो है शाश्वत उसे स्वीकार नहीं कर रहा है, और जो है क्षणभंगुर उसके लिए तन समर्पित, मन समर्पित, धन समर्पित, उसके लिए अपनी भावनाएं समर्पित। जो मूल है, मूल नायक भगवान आत्मा, जो अपना ज्ञायक तत्व है उसके लिए समर्पण नहीं है,
बस बस आप करता बात की बात चले तो ऐसा लगता है कोई आत्मा आत्मा कब से कह रहे हैं आप, कितनी देर हो गई, आत्मा आत्मा शुद्ध आत्मा परमात्मा ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा चैतन्य प्रभु अकिंचितकार अगुरु लघु कितने सारे नामों से बुला रहे हैं आपसे कि वो आत्मा है शुद्ध आत्मा है परमात्मा है जिनेन्द्र सम है सिद्ध जैसा है अरस रूपी है निराकार है परम ब्रह्म है अरूपत्व गुण का स्वामी है ना, कितने नामों से उसकी स्तुति कर रहा है आप, कितने नामों से पुकार रहा है, लेकिन भगवान आत्मा स्वीकार कहां कर रहा है, उसकी स्तुति भी जड़ है, उसकी स्तुति भी जड़ है, उसका स्तवन चैतन्य है, स्तुति कर रहा है स्तवन कर रहा है, स्तुति है स्तवन स्तुति पर की रूपी है स्तवन यदि अपन स्तुति करने में धर्म मानने लगे तो स्तवन कभी नहीं होगा और जिस समय स्तवन हो जाएगा उस समय स्तुति मात्र एक शुभ परिणाम है और उस होने वाले परिणाम से मेरी चेतना का रंच मात्र भी संवर नहीं है। जिस दिन ऐसे ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा की सच्ची रुचि अंतर में जाग जाएगी तो एक सेकंड अलग नहीं रह पाओगे इस अमृत से जिनेन्द्र देव की वाणी से अपनी चेतना की अनुभूति से एक समय के लिए भी अलग नहीं हो पाओगे एक क्षण के लिए। लेकिन अपना मूल में भूल का काम चल रहा है कि अपन अपने चैतन्य ज्ञायक तत्व परमात्मा को भूल के अपन पर पर्याय परमन की भावना में निरंतर व्यय स्वतत्व को छोड़ के पर तत्व को अपना मान लिया है, इंद्रिय विषयों में रुचि है आत्म तत्व में रुचि नहीं। प्रमाद क्यों होता है? अच्छा प्रमाद कहते किसे? अच्छा हमें तो प्रमाद की परिभाषा बता। बहुत बढ़िया। और वैसे तो सार आपने बोले दिया फिर भी और प्रमाद के 15 भेद भी आपको याद होंगे वो भी याद है और सरल भाषा में प्रमाद कैसे कहते हैं? आलस प्रमाद कैसे कहते हैं? वैसे परिभाषा आ गई है फिर भी सरल भाषा में चाहिए आपको। आलस और प्रमाद कैसे कहते? चलो जूम के लिए ऑफर दिया हमने, आलस और प्रमाद कैसे कहते हैं कोई बोलो। आप तो सही बोल चुके हैं, आपका तो पहले ही वाक्य सही है जो आपने कह दिया। जय तार। हाँ बोलिए। मेरे विचार से आलस प्रमाद मेरा अज्ञान भाव। सही है, थोड़ा विस्तार। बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है, पंचायत और कर सकते बोलो। और प्रमाद आलस क्या है? बोलो जिया क्या आलस प्रमाण? रिद्धि बोलो क्या है आलस? बहुत अच्छा। अपन कहते हैं कि अपने को बहुत नींद आ रही हो, बहुत आलस आ रहा हो, अपन अपने काम समय पे ना कर रहे हो, इसका नाम संसार में आलस और प्रमाण। लेकिन मोक्ष मार्ग में इसका कोई स्थान नहीं। आलस क्या है? अरे भगवान जी प्रमाद क्या है? आत्म कार्य में उत्साह नहीं आ रहा, तत्व को जानने की रुचि नहीं लग रही, यही प्रमाद है। मनुष्य भाव प्राप्त होने के बाद आत्म कल्याण की भावना का अभाव होना ये प्रमाद है और इस प्रमाद का फल अनंत संसार। ये आलस है कि तुम्हें अपने स्व चतुष्टय में उत्साह नहीं आ रहा, अपने ज्ञाता दृष्टा भाव में उत्साह नहीं आ रहा, अपने अतीन्द्रिय आनंद में रहने में उत्साह नहीं आ रहा, अपनी आत्मा की शांत चित्त आनंद की रसा का उपभोग करने में उत्साह नहीं आ रहा। तो कायम उत्साह आ रहा है, लड़ लो झगड़ लो पूजा कर लो पाठ कर लो यहाँ वहां की भीख कथा कर लो और यहाँ वहां की इसकी उधर उसकी इधर, बस इसमें आनंद आ रहा। जाको ठाकुर धान जाको ठा में रख दो, जाको ठाकुर धान जाको ठा में रख दो, सारो प्रणमन उद्गल कोई है
जहाँ दिमाग में कुछ फतूर चल रहा है सामने वाले के दिमाग में भर दो, और सामने वाले के दिमाग में कुछ चल रहा है तो तेरे दिमाग में चल क्या रहा है ये जान लो। तो इसका दिमाग उधर रख दो, उसका दिमाग इधर रख दो, बस पूरा दिमाग बाहर में लगा हुआ है। तुम्हारा आत्मा कभी ये भाव उत्पन्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यदि इन विकार भाव परिणति में ही मेरा दिमाग चलता रहा, इन कर्तव्य भाव में मेरा बुद्धिक परिणमन चलता रहा, तो अनादि काल से सबसे बड़ा आलस, सबसे बड़ा प्रमाद क्या है? निज आत्मा की सूरत नहीं आई, इससे बड़ा प्रमाद इस दुनिया में और कोई। घर के काम काम पे टाइम पे नहीं करते, वो आलस तो संसार का जीवन नष्ट करने वाला है, आपका व्यवहारिक जीवन नाश करने वाला है, लेकिन आपको अपने आत्म कल्याण की भावना प्रकट नहीं होती, ये वो आप संसारिक कार्यों को विलंब से करते हो तो आपका एक भाव में दुख होंगे, लेकिन आप अपने आत्मा कार्य नहीं कर पा रहे मनुष्य भाव मिलने के बाद, तो एक भाव नहीं। फिर से उदाहरण दे रहा है, जवाब चाहिए ठीक। यदि हम घर का काम टाइम पे नहीं कर पा रहे, पूरे परिवार का समय पे अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पा रहा है, तो कितने दिन दुखी हो गए? ज्यादा से ज्यादा एक भाव। और यदि मनुष्य भाव पाने के बाद यदि आत्म कल्याण नहीं कर पा रहा है तो फिर कितने भाव? बोले ली कितने? एक भाव का आलस, एक भाव को ही दुखी करेगा। मतलब बाहर का लौकिक कार्यों का आलस आपको उस कार्य के ना होने से जितनी दुख होगा, जितना वेदना होगी, उस समय दुखी करेगा, लेकिन यदि आत्म कल्याण नहीं किया तो फिर अनंत काल तक के लिए फुर्सत हो। बता कौन सा आलस ज्यादा बड़ा, कौन सा प्रमाद ज्यादा बड़ा? जल्दी से विचार कर लो। यदि बच्चे यदि घर का काम टाइम पे ना करते हो, या कोई घर में जिम्मेदार व्यक्ति ना हो जो लापरवाही करता हो, तो अपन उसको बार बार टोकते हैं कि भैया तुम देखो कितने लापरवाह हो, तुम्हारी पढ़ाई टाइम पे नहीं हो रही, तुम्हारी दुकान टाइम पे नहीं खुल रही, तुम्हारे घर के काम समय पे नहीं हो रहा है, अपन उसे कितने बार टोकते हैं। लेकिन भगवान जी अपने आप को कितने बार टोकते हो? जीवात्मा मनुष्य भाव मिलने के बाद तुम इस पुद्गल के बाहर के परिणमन से भिन्न अपनी चेतना का अनुभव नहीं कर पाए तुम। एक ये तो बाहर के कार्य तो पुण्य पाप की वजह से होते हैं, होना होंगे तो होंगे और नहीं होना होंगे तो नहीं होंगे, लेकिन तुमने अपने आत्मा का स्वलक्ष्य निर्धारित नहीं किया, और इस देह इस पदगल से भिन्न यदि अपने गायक तत्व की अनुभूति नहीं करी, जीवात्मा एक भाव नहीं अनंत भावों के लिए चले जाओ, और अनंत भावों के लिए इतना भयानक संसार परिभ्रमण है जिनके दुखों का कोई अंत बताओ है कि नहीं? प्रमाण दुकान खोलने में नहीं है, वो तो टाइम पे खुलती है, मकान बनाने में नहीं है, घर के काम करने में नहीं है, पढ़ाई करने में भी नहीं है, कायम है उसमें तो रुचिया है, प्रमाद कहाँ है? उसकी तो रुचि है कि मैं करता मैं करता मैं करता, वहां तो रस है करता भाव में, तो मैं नहीं करूं तो कौन करेगा? लेकिन भैया यहाँ जहाँ भगवान कह रहे हैं कि एक पुद्गल का परमाणु भी तू सरका सकता नहीं है, एक पुद्गल पदार्थ को भी तू परिणमन नहीं करा सकता, तू आकर्ता ज्ञायक तत्व परमात्मा है। इस सत्य की, इस तत्व की, इस ज्ञायक आत्म स्वभाव की यदि प्रतीति नहीं है तो इससे बड़ा प्रमाद हमारी दुनिया में और कोई सा नहीं। इस सम्यक दर्शन को ग्रहण करने की भावना नहीं है तो ये सबसे बड़ा प्रमाद है, और जब तक ये प्रमाद है तब तक जीव का हित नहीं हो सकता। हित करना किसको? बैठ गए आके जब टाइम मिला जब आके बैठ गए, हित किसको करना? करना भी कि नहीं करना? रुचि से थोड़ी ना आए कि ना, काम निपट गया घर का तो आ गए, काहे के लिए? काहे के लिए आए? काहे के लिए आए जल्दी बताओ। हाँ एक घंटे टाइम पास करने के लिए, सही कह रहा है ना? काय के लिए? निर्णय नहीं कुछ, मतलब तो जीप की गाड़ी बिना निर्णय के चल रही है, भाई हो गया तो ठीक, सुन लिया तो ठीक, नहीं सुन पाया तो ठीक, आप आ गए तो ठीक,
चले जाओ तो ठीक, हमें समझ में आ गई तो ठीक, और नहीं आई तो भी ठीक। तो भगवान भरोसे कहानी चल रही, राम भरोसे दुनिया चल रही, कि राम का भरोसा है और नैया चल रही है, सही है ना। हो गया था ठीक और नहीं हुआ था वो भी ठीक, सही है ना, सही कह रहा है कि नहीं कह रहा है। रुचि वाला तो कोई काम ही नहीं है, आके बैठ गए तो भी अच्छे, और नहीं आके बैठ पाते कछु काम में लग जाते तो कछु बात नहीं, हो गया सो हो गया। ठीक, भगवान आत्मा सुन लो, ऐसी ढुलमुल नीति से वीतराग तत्व की निष्ठा होने वाली नहीं है। जब तक आत्मा की गाढ़ी रुचि नहीं होगी, एक एक समय की कीमत नहीं होगी, एक एक क्षण की कीमत नहीं होगी, हर क्षण मुझे गायक तत्व की सुरति नहीं रहेगी, तब तक मेरी मुक्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आत्म सुरत का नाम साधना है, माला खिसकाने का नाम साधना नहीं है। माला खिसकाओ या माल खिसकाओ, इसका नाम साधना नहीं है। आत्मा को अपनी सुरत में प्रकट कर लेने का नाम साधना। मूल तत्व को छोड़ के जो हम क्रियाओं में धर्म मान रहे हैं, इसका नाम प्रमाद। कब तक पहले बता तो दो, कितने दिन और? जब तक उसकी प्राप्ति, भाई देखो आज ही जगा लो आत्मा के प्रति उत्साह भगवान जी। कौन अभी अपन घोषणा कर दें कि एक बार वेदी प्रतिष्ठा फिर होना है, क्या होगा? तन से धन से मन से और ऐसे जुड़ गए, जुड़ जाएंगे, कहना भैया कहना बस अब तो पूरी ताकत लगा देना है, कहना काय के लिए कि यहां से अच्छा प्रोग्राम तो और कहीं का होना। अब भी अली बाहर के आयोजन की बात करो तो तन मन धन और सारा समर्पण सब कुछ, ना दिन दिखता ना रात दिखती। क्या गजब का स्वरूप है जीव का, कि जीव जैसे शादी ब्याह की बात हो, अशुभ की बात हो तो भी दिन रात नहीं दिखता। शादी में 15-15 दिन जग लेते, 15-15 दिन नहीं सोते, शादी ब्याह के काम हो, घर में कोई काम हो तो 15-15 दिन नींद नहीं आती। 15-15 दिन जग लेते हैं, दुकान भी चल जाती है, बाजार शॉपिंग भी हो जाती है, रिश्तेदारों को बुला भी लेते हैं, तो पूरे काम व्यवस्थित हो जाते हैं। यदि भैया तत्व चर्चा की बात करो तो घर के काम ही नहीं हो पाते, टाइम ही नहीं निकल पाता, वो समय ही नहीं निकल पाता, पता वो नींद ही नहीं खुल पाती। शादी ब्याह का काम हो तो रात में 2 बजे सोते हो, सुबह 5 बजे नींद, 6 बजे नींद खुल जाती। और आत्मा की बात हो तो फिर देखो तो भगवान जी, देखो तो मायाचारी पे मायाचारी, और किसके किसके साथ? दूसरे के साथ छल नहीं, आप दूसरे के साथ छल नहीं कर रहा है, आप अनादि काल से धर्म के नाम पे अपन स्वयं भ्रमित हो रहा है। और जब अपन धर्म के नाम पे स्वयं भ्रमित हो रहा है तो हम ही तो प्रमाद कर रहे हैं। मूल तत्व को, मूल सत्ता को स्वीकार ना करके बाहर की अज्ञान धाराओं में भ्रमित हो रहा है भैया, यही तो अनादिकाल का संसार है। इसके कारण ही तो मेरा जीव नर्क निगोद की यातना सहन कर रहा है, अनादिकाल से 84 लाख योनियों में जन्म मरण, यही प्रमाद तो करा रहा है कि जहां स्व के लिए उत्साह नहीं है, पूरे पर के लिए उत्साह भरा हुआ। हम एक एक चीज नहीं कर रहे, शुभ के लिए भी उत्साह है और अशुभ के लिए भी उत्साह है, लेकिन अपने शुद्ध ज्ञान मात्र स्वभाव के होने का उत्साह नहीं भैया, कि मैं भी केवल ज्ञान ध्रुव तत्व को प्रकट करके और अरिहंतो सम निर्विकल दशा में लीन रहूंगा, सिद्धों सम अपने वीतराग स्वभाव का उपभोग करूंगा, परम आनंद का सुख भोगूंगा, इसका उत्साह नहीं। क्रियाएं करा लो, अदेव की दर्शन करवा लो, कुदेव आदि की सेवा करवा लो, वेंतर भूतों के पास भटकवा लो, क्या बोलते हैं पंडितों विद्वान के चक्कर लगवा लो, लेकिन भगवान जी निज आत्मा की स्वीकारता वो मत करवाओ। लाभ की बात करो, अभी कोई लाभ की बात करो, आप कोई यहाँ व्यापार की टिप बताओ, जनसंख्या भी डबल हो जाएगी और आनंद भी ज्यादा है, कोई बिजनेस टिप बताओ, मन लगता है
दो पैसे बचे ज्यादा कहां से। और यहाँ यदि स्व चेतन तत्व की आय की बात चल रही, स्वाध्याय स्व का लाभ सम्यक दर्शन ज्ञान इसकी बात करो, ऐसा लगता भैया किसको होता है सम्यक दर्शन, होता भी कि नहीं होता, पहले पक्का तो बता दो कि कोई को हुआ कि नहीं हुआ, पहले प्रमाण तो दो आपको हुआ कि नहीं हुआ। भैया जी पहले आप तो बता दो कि आप पे सम्यक दर्शन है कि नहीं है, आप पे सम्यक ज्ञान है कि नहीं है, फिर तो हम देखें। बात ही बात है, होता थोड़ी ना, होता है क्या, होता है क्या किसी को होता है? अरे सम्यक दर्शन ज्ञान नहीं होता तो ये आचार कहाँ से आते, जिनेन्द्र भगवान कहाँ से आते, सिद्ध भगवान कहाँ से आते, जिनकी दिन रात भक्ति पूजा कर रहे हो, जिनके नाम पे भक्तांबर पढ़ रहे हो, मेरी भावना पढ़ रहे हो, बारह भावना पढ़ रहे हो, और कौन कौन सी भावना है, छेड़ाला पढ़ रहे हो, जिनके नाम पे तुम इतनी सारी भावनाएं पढ़ रहे हो, वो सब यही तो है। तुम किसकी भक्ति कर रहे हो, किसकी पूजा कर रहे हो, किसका बहुमान कर रहे हो? उन्हें यही तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तो प्रकट हुआ था, उन्होंने ऐसा सच्चा श्रद्धानी तो किया था, तभी तो आज वो अरिहंत है, सिद्ध है, आचार है, साधु है, उपाध्याय है। यदि उन्हें ये निधि प्रकट नहीं होती, बताओ अरिहंत परमात्मा केवल दर्शन ज्ञान के धारे नहीं होते तो आप उनकी वंदना करते क्या? कुदेव और सच्चिदेव में क्या अंतर है, कुदेव में और सच्चिदेव में क्या अंतर है? कुदेव अज्ञान भाव सहित, भैया दो दो चार ज्ञान सहित है, दो दो ज्ञान सहित है, भेद ज्ञान सहित है, और अपने अरिहंत देव केवल एक ज्ञान ज्योति स्वरूप अपने परम ब्रह्म में। कुदेव के पास दो ज्ञान है, कुमति और कुशुद्ध, और हमारे केवली परमात्मा के पास एक केवल ज्ञान। तो हम एक की आराधना करते हैं जो वीतरागी है, जो सर्वज्ञ है, जो हितोपदेशी है, हम उन केवल यानी परमात्माओं की वंदना करते हैं, जिनके पास दो ज्ञान है उनकी वंदना हम करते ही नहीं, एक ज्ञान वाले की वंदना करते, एक ज्ञान वाले का शासन है। इसलिए भैया एक जिसकी श्रद्धा है, एक जिसकी आस्था है, एक जिसका लक्ष्य है, एक जिसकी रुचि है अपने गायत्री परमात्मा की, उसी का ये मोक्ष मार्ग है। यहाँ दो वाले का काम ही नहीं, ऐसा है कि ऐसा नहीं है, संशय वाले का काम नहीं, सम्यक दर्शन होगा कि नहीं होगा इस वाले का काम ही नहीं है, मैं ऐसी साधना कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा इसके लिए स्थान ही नहीं है। जिसके पास दो है, संशय है, उसके लिए यह स्थान नहीं, यह स्थान तो उसके लिए है कि मैं ध्रुव गायक आत्मा हूं तो फिर हूं, और केवल ज्ञान सत्ता मेरे अंदर है तो है। अब जब है तो मेरी निधि मैं नहीं प्रकट कर पाऊंगा तो क्या दूसरा करे, तुम तो ये बताओ। यदि मेरा अंतर का वैभव यदि मैं नहीं प्रकट कर पाऊंगा तो पड़ोसी आके करेगा क्या? मेरे अनंत गुणों को यदि मैं नहीं प्रकट कर पाऊंगा तो क्या पड़ोसी आएगा क्या? अरिहंत भगवान ऊपर से उतर के आएंगे और कहेंगे कि लो मैं तुम्हारा केवल ज्ञान ले आया तुम इसे रख लो, ऐसा होगा? इसलिए कहते हैं हमारे सर्वज्ञ भगवान भी कुछ करते नहीं है, हमारे परमात्मा अकर्ता है, हमारे भगवान भी हमारे वीतरागी संत भी कुछ करते नहीं है। वो सीधी बात कहते हैं भैया तेरे अंतर में तेरी वीतरागता तुझ में स्वयं छुपी है, जिस समय तू चाहे उस समय उजागर कर ले। तेरे अनंत गुण तुझ में स्वयं छुपे हैं, जिस क्षण चाहे तू उन गुणों का अनुभव कर ले। अपनी स्वसत्ता का बोध जगाने की बात है भैया, जागेगा कि नहीं? कब जागेगा? 7 मिनट बचे, कब जागेगा? इस जन्म में जागेगा कि नहीं जागेगा? है? अरे अब यहाँ के संस्कार जाएंगे नहीं जाएंगे वो तो कल की बात हो गई, इस जन्म में जागेगा कि नहीं जागेगा? नहीं जाएगा। हम सही कह रहे हैं भगवान जी, यदि इस जन्म में बिना आत्म अनुभूति लिए मर गए ना, सही कह रहा है, यदि अपने ध्रुव तत्व की श्रद्धा किए बिना, अपने मोक्ष मार्ग में उत्साह के बिना यदि भाव चला गया ना तो दिल्ली दूर नहीं, बहुत दूर है।
मैंने कब समागम मिलेगा, कब ये अंतरात्मा की ये ऐसी अमृत वाणी सुनने मिलेगी, कब तारण स्वामी जैसे सच्चे गुरु मिलेंगे जो क्रिया नहीं बताएंगे, कांड नहीं बताएंगे, बाहर के आडंबर नहीं बताएंगे, बाहर की अज्ञान मानताओं में नहीं अटकाएंगे, जो सीधे अपने ध्रुव चेतना का बोध जगाएंगे, ऐसे संत जो तू स्वयं भगवान का संकनाद करेंगे, ऐसे वीतरागी संतों का सर्व भगवान का उपदेश हमें कब मिलेगा, इस सदगुरु हमें कब मिलेंगे। यदि आज नहीं जगे तो फिर दिल्ली बहुत दूर है भगवान, क्या करना है, क्या बात है, बहुत सारे पार्टिसिपेट लिंग हुआ है, क्या करना है? चार मिनट वो सॉरी छह मिनट बचे, निर्णय नहीं हो पा रहा, चार दिन हुआ है, चार दिन से सुबह देखो तो वही आत्मा, शाम को देखो तो वही आत्मा, निर्णय नहीं हो पा रहा, बिल्कुल पक्का नहीं हो पा रहा कि वास्तव में मैं वो आत्मा, वो शुद्ध आत्मा, वो परमात्मा हूं, कि फिर ये सारा व्यवहार हो रहा है ये सही, फाइनल नहीं हो पा रहा वो कुछ, कि वो चेतन अविनाशी सत्ता वो ही मेरा ध्रुव स्वभाव है, या फिर ये बाहर का होने वाला है व्यवहार, ये सब करने वाला है, ये फाइनल निश्चय नहीं हो पा रहा, ये बाहर का परिणाम मेरे अधीन मेरी इच्छा चल रहा है, या वास्तव में वो परम पारणा में ज्ञान दर्शन भाव में वो ध्रुव चेतना मेरी है जो इस परिणाम का मात्र साक्षी है, पक्का निर्णय नहीं हो पा रहा, ये पारणामिक भाव स्वरूप वो आत्मा में हूं, ये परिणाम स्वरूप ये चलने वाली अज्ञान धारा स्वरूप ये परिणाम में हूं, ये निर्णय नहीं हो पा रहा कि पारणामिक भाव स्वरूप चेतना में हूं, ये परिणाम रूप शरीर के परिणाम मन वचन काय सो बसो भाव परिणाम रूप आत्मा में हूं, पक्का निर्णय नहीं, पक्का निश्चय नहीं हो पा रहा। तो यदि ये भगवान जी यदि ये पक्का निश्चय नहीं हुआ तो ये चार दिन ये छह दिन कितने भी दिन निकल जाए सब कचरा कूड़ा ही है, कोई मतलब नहीं है, कितने ही सुन लो, हमसे अच्छे विद्वान आके सुना जाए, हमसे और अच्छे बड़े वक्ता आके आपको सुना जाए, या और कोई सुना जाए, भगवान जी जब तक अपना स्वयं का निश्चय नहीं हो रहा तब तक सब फेंका, क्या करना है, अभी भी कोई निर्णय नहीं है, तत्व को सुनने में तो अच्छा लग रहा है, कुछ लोग तो समय पे आ रहे हैं, तो भैया तत्व की रुचि में तो आनंद आ रहा है भैया, लेकिन बस अब जिसका आनंद ले रहे हो उसको स्वीकार करो जरा निश्चय से, थोड़ी दृढ़ता लानी पड़ेगी, जैसे घर में भी यदि कोई काम करते हैं तो कुछ कोई कुछ निर्णय कठोर होकर लेने पड़ते हैं, बच्चों को बाहर पढ़ने भेजना हो तो बहुत कठोर होकर निर्णय लेना पड़ता है कि दूर कैसे रहेंगे, अब बिगड़ेंगे कि नहीं बिगड़ेंगे, अब हमने संस्कार कैसे दिए हैं कि नहीं दिए, बाहर इनका क्या होगा, तो कुछ निर्णय हम इनके बिना कैसे रहेंगे, कुछ निर्णय कठोर होकर लेने पड़ते कि नहीं लेने पड़ते, थोड़ी दृढ़ता के साथ लेने पड़ते, ऐसे भैया इन संयोगों के बीच में, इन संयोगी भाव के बीच में ये निर्णय कठोर होकर लेना पड़ेगा, थोड़ा दृढ़ता से ही लेना पड़ेगा कि भगवान जी चाहे परिणाम कितना ही उल्टा सीधा क्यों ना हो, मैं तो ध्रुव गायक का आत्मा ही हूं, ये थोड़ा दृढ़ता से ही निश्चय करना पड़ेगा, क्योंकि मन भ्रमित करेगा, मन संशय पटकेगा, अरे तू गायक है, तू तो कर रहा है, तू तो खा रहा है, तू तो पी रहा है, तू तो क्रोध कर रहा है, तू तो मायाचारी कर रहा है, तू तो झूठ बोल रहा है, मन द्वंद पटकेगा, तू गायक है, अरे तू तो दिन रात खाता है, दिन रात पीता है, तुझे तो अपने आत्मा की सुरत भी नहीं रहती, तुझे तो वेद ज्ञान भी नहीं होता, तू गायक कैसे हो सकता है, मन सीधा सीधा कहेगा, अच्छा तो ये खट्टा मीठे का स्वाद काय को आ रहा है, जब तू भगवान आत्मा है तो भगवान तो खट्टा मीठा स्वाद चखते ही नहीं है, तुझे गुलाब जामुन खाने की इच्छा क्यों हो रही है, तू तो घास खा के भी जिंदा रह सकता है कि नहीं रह सकता, पानी रोटी खा के भी, नमक रोटी खा के भी दिन निकल सकता कि नहीं निकल सकता, लेकिन तुझे हलवा खाने की इच्छा क्यों हो रही है, क्यों हो रही है, ऐसे मन ऐसे प्रश्न करेगा मन, तुम कोई नहीं करेगा, तुम्हारा मन तुमसे करेगा, और यदि बाहर में कोई बड़ा अच्छा कोई और मिल गया तो कह बड़ी आत्मा आत्मा की बात कर रहे हैं, तुम्हारा व्यवहार तो सही नहीं है,
और एक हाथ और कोई मिल जाएगा, नीम चढ़ी गुड़वेल, एक हाथ बाहर चलते फिरते हैं और कोई मिल जाएगा तुम्हें, वैसे तुम्हारे अंदर संशय तो बहुत है और बाहर में कोई मिल जाएगा। अरे आत्मा आत्मा की बात सुन रहा है, तुम तो स्वच्छंदी हो गए। और भैया जी अब तो थोड़ी बहुत ताकत आ रही थी, थोड़ी बहुत विटामिन डी की गोली ले रहे थे, आत्मा का विश्वास जगा रहे थे, लेकिन एक निमित्त और मिल गया और उसने कह दिया टाइटा है। वैसे मन में अनेक शंकाएं हैं और दो चार महात्मा और मिल जाए बाहर तो फिर पूरी कमी हो जाती, सही है कि नहीं, है कि नहीं? नहीं हाँ, आपके मन की बात कह रहे हैं, आप तो पूछते नहीं हो, आपके प्रश्न तो होते नहीं है, प्रश्न भी हम ही कर देते हैं और जवाब भी ना, आप हमारे प्रश्नों का जवाब देते हैं ना, आपके अंदर प्रश्न कर, प्रश्न भी हम करते हैं और जवाब भी हम देते हैं। अरे अंदर आओ ना तो बोल रहे भगवान जी की सही की सही की गलत सही ना, भगवान आत्मा अपन इतनी सी बात पर समझ ले क्योंकि समय हो गया है करेक्ट 10, इतनी सी बात अपन समझ ले भगवान जी, इतनी सी छोटी सी बात कि जब तक अपने को अपनी स्वास्थ्य सत्ता का विश्वास नहीं होगा और जब तक अपन अपने स्वास्थ्य सत्ता पर निष्ठा नहीं करेंगे, जब तक अपन अपने अंतर आत्मा का विश्वास नहीं करेंगे, दृढ़ निश्चय नहीं करेंगे कि मैं तो वो ध्रुव गायक आत्मा ही हूं, तब तक उपयोग इन बाहर के निमित्तों से पलट के अपनी ओर आने वाला नहीं है। मन किसी ना किसी विकल्प में घुमाता रहेगा और कोई ना कोई निमित्त में अपने विकल्प में उलझाता है। तो थोड़ी सी दृढ़ता लेके आओ, कल्याण करना है तो, यदि अपना हित करना है तो थोड़ी सी दृढ़ता लेके आओ, थोड़ा सा अपना विश्वास लेके आओ कि हम आत्म कल्याण कर रहे हैं, कोई गलत काम नहीं करना है, इसलिए भयभीत होने की जरूरत नहीं है।